डेली यात्रा ब्लॉग के इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए सभी दोस्तों को, सभी माता रानी के प्रेमियों को प्रेम भरी जय माता दी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए, सब अपने घर में खुश होंगे और मस्त होंगे। मैं हूं साथियों सोमनाथ शर्मा, डिस्ट्रिक्ट रियासी, यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर से, और आप लोग देख रहे हैं आपका ही अपना यूट्यूब चैनल डेली यात्रा व्लॉग। आप सब जानते होंगे जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स होंगे कि उनको छोटी मोटी जानकारियों के साथ साथ अपनी बहुत सारे दोस्तों के साथ, चाहने वालों के साथ वीडियोस बनाने का भी मैं प्रयास करता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को बढ़ावा देने का भी प्रयास मेरा रहा है, एक सही समय के साथ सही जानकारियां। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ऐसे डिस्ट्रिक्ट, ऐसे जिले से बिलोंग करता हूं जहां लगभग जम्मू डिवीज़न की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा पर्यटक जो हैं, सबसे ज़्यादा श्रद्धालु हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में विज़िट करते हैं। और उसका मुख्य कारण यह है कि सबसे पहले तो माता वैष्णो देवी का मंदिर, दूसरा शिवकोड़ी, और इसके साथ साथ लोकल साइट सीन अगर मैं बात करूं तो लगभग हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बाबा जीतो, बाबा धनसर, नौ देवियां, चिनाब रिवर, और इसके साथ साथ भूमिका मंदिर, देवा माई, पिंडी दर्शन, और भी इसके अलावा बहुत सारे धार्मिक स्थल हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल, अब तो लिथियम भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में निकल गया है। लेकिन छोड़िए, अब मैं बात कर लेता हूँ आज की इस ताज़ा वीडियो में माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी जानकारियों के साथ साथ ताज़ा मौसम का नज़ारा। सबसे पहले देखो, मैं शुरुआत करता हूँ इस शंकराचार्य मंदिर के दर्शन एक डिजिटली तरीके से, जिसे आप लोग देख रहे हैं अपने घर बैठे ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आने वाले दिनों में, जब ये इस शंकराचार्य मंदिर का जो निर्माण कार्य है पूरा हो जाएगा, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन प्रशासन इस पर बड़ी गौर पैनी नज़र रखा हुआ है, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि यहाँ पर भी काम लगे, एक मंदिर का जब भव्य खूबसूरत नज़ारा बने और आप लोग आओ। लेकिन यात्रा की अगर मैं बात करूँ तो ये बाणगंगा जाने वाला रास्ता है। आज कोई इतनी इक्का दुक्का भक्त जो हैं जा रहे हैं, श्रद्धालु जा रहे हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं दिख रही है माता रानी के भक्तों की। लेकिन उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सामने साथियों ये दर्शन आप लोग कर रहे हैं चरण पादुका मंदिर के, और फिर हैं अर्धकुंवारी मंदिर के दर्शन आप लोग कर रहे हैं। और ये वो रास्ता है जिसे माता रानी के दरबार तक हमें ले जाता है। और मौसम की अगर मैं बात करूं साथियों तो मौसम का मिजाज भी बेहद सुहाना है। मौसम साफ रहता है, हेलीकॉप्टर की सुविधा, घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, सारी जो सुविधाएं प्राथमिक रहती हैं वो चलती रहती हैं। और ये वो ताराकोट मार्ग है जिसे आप लोग सब जानते हैं। लंगर इसी मार्ग पर लगा हुआ है, जो कि 2400 घंटे श्राइन बोर्ड की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। और फिलहाल साथियों आज का मौसम, आज की ताज़ा जानकारी यही थी। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक भी करोगे, शेयर करोगे, और दोस्तों तक भी मेरी वीडियो तक जो है सब्सक्राइब करने में योगदान करोगे। तो फिलहाल मैं सोमनाथ शर्मा आज के लिए आप सबसे ले रहा हूँ अनुमति। माता रानी से ये प्रार्थना है कि माता रानी हम सभी भक्तों को हमेशा सुख शांति, उन्नति, वृद्धि, समृद्धि के साथ जीवन जो है खुशियों से गतिमान रखे। धन्यवाद। जय माता दी, जय माँ वैष्णो देवी।